जिला सैनिक बंधु की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण किए जाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि सैनिकों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सैनिक कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि वे भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराएं, जिससे भूतपूर्व सैनिकों को अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर आने की जरूरत ना पड़े। बैठक में जिला सैनिक पुनर्वास अधिकारी सहित पूर्व सैनिक मौजूद रहे। आदेश दिया है कि आप जो है यूनिक आईडी नंबर जनरेट करें। तीसरी बात यह है कि तहसील में आपकी नाला बनना है 14 जमीन की, और तहसील में आप अप्रोच करते हैं जब आप यहाँ आए। इस बार भी कोई समस्या है तो आप बता रहे हैं, उसे चालू कर देते हैं, उसी से बच्चे वो आगे कुछ सुझाव आपसे लेके कल्याण के बारे में बात करना है। लिखा पढ़ी में भी दे दिया तो मान नहीं रहे तो क्या? नहीं सर, मैं प्रिंसिपल साहब और तो आपका अटेंडेंस नहीं है, आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आपका हाजिरी नहीं हो। नहीं सर, उसी पे कितने पैसा दे रहे हैं वो नहीं होता है। नहीं सर, वो अटेंडेंस है वो भी नहीं दे रहे हैं सर। वो है और एक सप्ताह का उसी रजिस्टर में है, और जो उसके पढ़ाना बंद कर दिया, उस रजिस्टर में मेरा अटेंडेंस है सब कुछ। आपने यज्ञ तो नहीं दिए? यज्ञ तो बंद किया उस समय से अभी का। आप कब यज्ञ की दूसरा करते हो? आपको फोन किया, अब इसको अभी यज्ञ से मिल लेना, मिल के हमें बता देना, नंबर भी दे रहा हूँ, बात करें।